अच्छा जी, ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की जो है, मेरे पास इसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों में से अगर इसको स्क्रीन शेयर कोई कर दे, इसको प्लीज जरा ओपन करें और इसका स्क्रीन शेयर करें। हमजा बेटा, जरा इसका स्क्रीन शेयर करें आप। इसमें मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा जी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले चंद जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एंजाइम काइनेटिक्स का पता होना चाहिए। तो अगर किसी को आप लोगों ने डेरिवेशन और भी की है, पहले बैच कल्चर की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर हम ये कहें कि एंजाइम जो मेन काइनेटिक्स है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, उसकी फंडामेंटल ये बेसिक्स में शामिल है, तो ये गलत नहीं होगा। एंजाइम काइनेटिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आसान 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 बातें पहले कर लेते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो एंजाइम से कैटेलाइज हो रहे हो। हम वो केमिकल रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स में, डाटा कैटेलाइज बाय एंजाइम, तो उसको आप एंजाइम काइनेटिक्स का नाम दे देंगे। जो मेन काइनेटिक्स है, जो एंजाइम काइनेटिक्स की बेसिक्स है, उसकी जो बुनियाद है वो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में रखी थी। और यही वजह है कि जब भी आप काइनेटिक्स का माइंड माइंड में आता है तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का नाम खुद ही जेन में आ जाता है। अब एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ने की हमें क्यों जरूरत पेश आई? अब देखें, ये वो साइंस है जो हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन जो भी एंजाइम से कैटालाइज हो रहे हैं उनके बारे में बताती है। अब इसकी क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि ये बताती है कि आपका रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, कि आपका रिएक्शन की स्पीड क्या है, कि आपका रिएक्शन कितनी देर में, रेट रेट बता रही है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय एंजाइम, कि ये एंजाइम कितनी देर में इस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है। तो अब हम एफिशिएंसी को किस तरह से, ये इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, और डेरिवेशन में अपनी वैल्यूज जो भी है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करके रिएक्शन की वेलोसिटी को है फाइंड आउट कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हो रहा है, बायो रिएक्टर में हो रहा है, वो कितनी देर में हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स में आ सकती हैं, जो हम बता सकते हैं जी ये एंजाइम काइनेटिक्स है। अच्छा जी, अब एंजाइम काइनेटिक्स के इसके अलावा हमें क्या बताती है कि आपके रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, कि आपको टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, ऑप्टिमाइज कंडीशन, जिसकी बार बार मैं बात करती हूँ कि बायो रिएक्टर में कोई भी अगर आपका रिएक्शन हो रहा है उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज कंडीशन चाहिए। तो एंजाइम काइनेटिक्स हमें ये भी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी ऑप्टिमाइज कंडीशन मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशन के लिहाज से क्या होगी। तो अब ये सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये द साइंस इन विच वी स्टडी केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, ये हो गया एंजाइम काइनेटिक्स। व्हाई वी आर स्टडिंग एंजाइम काइनेटिक्स? क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि आपके रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, आपका रिएक्शन कितनी देर में कैटालाइज हो रहा है, आपके रिएक्शन के ऑप्टिमाइज कंडीशन क्या है, और मैंने डिटेल में आपको बता दी कि किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। अब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स की जो मेन फंडामेंटल है, हम वो आज आज के लेक्चर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो हमें डिटेल पता होना चाहिए कि क्यों हम लिंक कर रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स से माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को। सबसे पहले जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन थी वो 1930 में डराइव की थी लियोनर माइकेलिस ने और मॉड मेंटन ने। ये माइकेलिस एंड मेंटन, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में ये माइकेलिस मेंटन इक्वेशन आपको दी, ठीक है। उसके बाद अब मजीद, अब जब भी आपको पता है कि साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसमें मॉडिफिकेशन होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके बाद दोबारा और साइंटिस्ट आए, जैसे जॉर्ज ब्रिग्स का बड़ा नाम आता है इसमें, फिर उसके बाद हेल्डेन का, जेबीएस हेल्डेन का बड़ा नाम आता है, जिसने इस इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई किया। लेकिन आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वो लिमिटेड है माइकलिस मेंटन तक, तो हम इसलिए इसको सिर्फ, हम इस लेक्चर में सिर्फ माइकलिस मेंटन की, मेरा काम है कि आपकी जो फंडामेंटल्स है, आपकी बेसिक कंसेप्ट उसका बिल्ड कर देना। तो उसके बाद 1925 में, 1913 में तो माइकलिस मेंटन ने दी थी, लियोनर माइकलिस और मॉड मेंटन ने, और उसके बाद 1925 में ब्रिग्स ने और हेल्डेन ने मजीद इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था और इसको मॉडिफिकेशन दी थी डिफरेंट, और जो आज भी प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन बेसिक जो काइनेटिक्स है वो आज भी माइकलिस मेंटन इक्वेशन पर रिलाई करती है। तो ये सबको क्लियर होना हो जाना चाहिए। इतनी जो बातें मैंने आप सबसे की हैं, क्या ये आप सबको क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अब बेटा अगर आप इसको स्क्रीन शेयर में ओपन करते, अगर पावर पॉइंट फाइल में, तो ज्यादा बेहतर नहीं था? क्योंकि मेरे पास भी इसका कंट्रोल आ सकता था। आपने इस तरह इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं आ रहा, मैं आगे पीछे नहीं इसको कर सकती। मैम वो कंट्रोल एक्सेस करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, मैंने पावर ये पॉइंट भी खोली हुई है। नहीं आपने पावर पॉइंट में खोली? आपने अपनी स्क्रीन नहीं शेयर की हुई मोबाइल की? मैम लैपटॉप पे खोली हुई है लेकिन पावर पॉइंट पे ही ओपन की हुई है मैंने नहीं, उसको। ये असल में ना, ये आपने अपने जो भी है लैपटॉप, उसकी स्क्रीन शेयर कर दी है। इसमें भी ऑप्शंस हैं कि आप सिर्फ पावर पॉइंट को अगर शेयर करेंगे ना, तो उसका कंट्रोल मेरे पास आएगा। लेकिन जिस तरह से आपने स्क्रीन शेयर की है, इस तरह से आपकी पूरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो अब सबको व्यू हो रही है। यस मैम एनीबॉडी एल्स? सिर्फ आप लोगों ने, कोई भी, आप सबके पास कंट्रोल है, कोई भी सिर्फ जो है शेयर पावर पॉइंट कर दे। शेयर पावर पॉइंट के नाम से ऑप्शन आ रही होगी, उसको क्लिक कर दे। आई एम ट्राइंग इन माई मोबाइल, लेकिन ये खुल नहीं रहा है यहाँ पे। बहरहाल जी, इंजाइम काइनेटिक्स की जो बेसिक्स मैंने आपको बताई, वो आप सबको क्लियर हुआ कुछ हद तक? अगर आप लोग पहली स्लाइड ये देखें, तो इसमें भी यही बताया हुआ है कि इंजाइम काइनेटिक्स मैथमेटिकल टूल है। इंजाइम कैटालाइज पावर जो भी रिएक्शन है उनको डिस्क्राइब करता है। सबस्ट्रेट एफिनिटी और इनहिबिटर जो भी है, सारी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय इंजाइम में जो जो चीजें हो रही है, वो सारी इंजाइम काइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। अब क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? कि हम देखने के लिए कितनी है रिएक्शन की एफिशिएंसी है, कितना तेजी से रिएक्शन हो रहा है। अब और फिर फर्दर ये हमें बताती है कि एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, और डिफरेंट जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज में चेंजिंग हो रही है, जो रिएक्शन को आपको स्टॉप कर सकते हैं, या कोई भी ऑप्टिमाइज कंडीशंस की वजह से आपका स्टॉप हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एंजाइम काइनेटिक्स के गेंद जो है रिवॉल्व करती हैं। और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी फिर इसका यही, अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम काइनेटिक्स का बायो इंजीनियरिंग में क्या रोल है, तो आप क्लियर करके बता सकते हैं कि एंजाइम वो कैटालाइज रिएक्शन, वो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कैटालाइज बाय एंजाइम है, तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में वो बड़ा फ्रूटफुल है। आपको, आप ऑप्टिमाइज कंडीशन का पता लगा सकते हैं, आपका रिएक्शन कितना एफिशिएंसी से हो रहा है ये पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से एंजाइम काइनेटिक्स को जो है लिंक कर सकते हैं विद बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जी, कैन एनीबॉडी एल्स ओपन इट फॉर मी प्लीज, अगर आप लोग इसे ओपन कर सकें। कोई भी बेटा इसको ओपन कर दे, किसी के अगर मोबाइल में एक्सेस है। हम सब कोशिश करें बेटा इसको वो पावर पॉइंट को शेयर कर दें। यस मैम मैंने भी किया था पावर पॉइंट शो, वो आपको नहीं आया ऑप्शन। नहीं, मुझे उसका कंट्रोल नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, आप ओपन करें, आप स्लाइड को टर्न करते जाइएगा जैसे जैसे मैं आपको कहूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आपने अटेंडेंस लगा दी है? नहीं, मैंने अटेंडेंस अभी मार्क करनी है, आप लोगों की मैं मार्क कर लेती हूँ। हाँ जी, एंजाइम काइनेटिक्स से अब तक स्लाइड जरा टर्न कर दे हमजा। अब तक जितना आपको बताया वो सबको क्लियर हुआ है? हाँ जी, ये जो मेन रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा ई प्लस एस, ये आप लोगों ने आगे भी कई दफा पढ़ा होगा। ये मेन जो है, आप कह सकते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की इसके ऊपर बुनियाद है। इसी के ऊपर पूरी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है घूमती है, और इसी के बेस पे, इसी रिएक्शन के बेस पे आप माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है कि किस तरह एंजाइम से, एंजाइम ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हमने स्टडी करना है ना जो कैटालाइज बाय एंजाइम है। तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रही है जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। ये आपको पता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट है, आपके पास ई एस कम्प्लेक्स आ जाएगा, फर्दर आपका एंजाइम और जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिसोसिएट हो जाएगा, और एंजाइम आपका अवेलेबल होगा री यूज होने के लिए। स्लाइड टर्न कर दें। ठीक है जी, आगे अब आप लोगों की ये इक्वेशन अगर आपको नजर आ रही हो, तो यहाँ पे आर एस डी सी एस ओवर टी, अगर आप लोग इधर देखें,
तो अब जिस तरह से रिएक्शन क्रॉस होता, रिएक्शन पास होता जाता है, जिस तरह से रिएक्शन तेजी से चलता जा रहा है, यहाँ पे माइनस की क्या रीजन है कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो कंज्यूम होते जा रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है. सबस्ट्रेट आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने माइनस से डिनोट किया है. अगर नीचे वाले में आप देखें, आर एस इज इक्वल टू डी प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ओवर डी ओवर टी, के चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए इसको प्लस के साथ डिनोट किया है. और ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाले उसमें क्या हो रहा है कि आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. जाहिर है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो इसलिए आपने उसको माइनस से डिनोट किया. तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कोई पूछ सकते हैं कि ये माइनस क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस डी सी एस ओवर टी, ये माइनस का क्या मतलब है, ये क्या डिनोट कर रही है आपको, ये जो इक्वेशन है ये आपको, और आप लोग उसको इस तरीके से बता सकते हैं. ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे मूव करें. ठीक यस मैम। है, अब ये एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन प्रोग्रेस है, तो इसमें भी सेम ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको ग्राफ बता रहा है, सेम यही बात बता रहा है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है. तो ये सारी बेसिकली इसको प्लेट्यू की टर्म में आप लोग लेते हैं, ये बता रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका रिएक्शन किस तरह से जा रहा है. ये ग्राफ आपके समझने के लिए, बस इतनी बात आपके ग्राफ में समझने के लिए, अगर आप लोग इसे याद रख लें कि जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, और जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो इतनी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के लिए यहाँ से इनफ है. आपको इतना पता होना चाहिए, और बेसिकली ये ग्राफ भी आपको यही डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप लोग इसको डिटेल में देखें. आगे मूव करें, आगे मूव कर रहे हैं. अब इसमें जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों ने वही जो है उसको जरा ज्यादा फोकस देना है. जो चीजें मैं आपको छुड़वा रही हूँ उसको सिर्फ आपने रीड आउट करना है. इसका मकसद ही यही है आपको डिस्कस करने का, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इसका मकसद ही है. आगे मूव करें बेटा इसको. हाँ जी, अब ये आपका आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं. जब जो आपका सबस्ट्रेट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा, अच्छा ये जो ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, डिपेंड करता है आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे. जब आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा, सबस्ट्रेट जो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा, तो आपका जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंक्रीज होगा, तो आप उसे कह देंगे जी ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा. लेकिन आपको पता है कि ये अप टू सर्टन लिमिट होगा, लेकिन जब ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे सबस्ट्रेट की, तो अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाए और आपके उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह देंगे. ये बस आपकी याद रखनी है यहाँ पे बातें ये है कि जो ऑर्डर रिएक्शन है डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन पे. शुरू में जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कम होती है और आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डिपेंड कर रहा होता है, कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम दे देंगे. लेकिन एक टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आप यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो ऑलरेडी सबस्ट्रेट से कवर हो चुकी होती हैं, और कोई और एक्टिव या बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं होती सबस्ट्रेट के लिए कि वो बाइंड कर जाए. और ज्यादा आप सबस्ट्रेट बढ़ाते भी जाएं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो उसको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम दे देंगे. और फर्दर जो मैक्सिमम रिएक्शन रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसेंट्रेशन से. सिर्फ आपने ये ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर की जो मैंने आपको बात बताई, ये दो बातें हैं, मैं इनको याद रखने की जरूरत है. अब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की जो दो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पिछली इक्वेशन ई प्लस एस वाली अगर आपको याद हो, तो वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में हो रही है, तो ये और स्टेडी स्टेट, ये दोनों चीजें हैं जो अगर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो तभी आप माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिराइव द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. तो ये दोनों आप इक्वेशन जो है आपने डिटेल में अच्छे तरीके से देख ली हुई है कि इक्विलिब्रियम, जाहिर है आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कि क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आ गया. और अगर स्टेडी स्टेट की आप बात करें, जो ई एस कम्प्लेक्स आपका जो बन रहा है दरमियान में, वो आपका कुछ हद तक स्टेडी स्टेट में कहीं ना कहीं आता है, तो
तो वो आपका बनना जरूरी है. अगर वो बनेगा तो तभी आप उसको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का की कंडीशन जो है उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. तो ये दो कंडीशन है जिसकी बेस पे आप माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. एक तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कि मेरा क्या मतलब, कहने का मतलब है कि जितना आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए. और दूसरा मतलब मेरा स्टेडी स्टेट से ये क्या है कि आपका जो ई एस कम्प्लेक्स है वो लाजमी बन रहे होना चाहिए स्टेडी स्टेट में. आगे मूव करें. हाँ जी, ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की डेरिवेशन आ गई है. अगर आप लोग इसमें इसको व्यू करें, अगर आप लोगों के लिए इसको व्यू करना व्यू कर सके देखें, तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में इक्वेशन रखने है, ई प्लस एस आपका जो है सब ई एस कम्प्लेक्स बनेगा. अब इसको आप क्या नाम दे देंगे, के वन जो आपका आगे रिएक्शन जा रहा है, और इक्विलिब्रियम में जो बैकवर्ड में जा रहा है उसको के माइनस वन का नाम दे देंगे. और इसी तरह अगर आप लोग आगे मूव करें आपका ई प्लस पी बनेगा तो उसको के टू का आप नाम दे देंगे. कोई भी नाम है आप अपनी तरफ से ज्यूम कर लें आप दे दें. तो आप अगर आप लोग इस इक्वेशन को लिख लें तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा. अच्छा, इस इक्वेशन को समझने के लिए एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है. अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं. मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्ले करने लगी हूँ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए, तो वीडियो देखते जाते हैं और साथ साथ इसकी डेरिवेशन को समझते जाते हैं. डेरिवेशन तब तक आप लोग क्लियरली नहीं कर सकते जब तक कि आप लोग इसको खुद भी डिराइव ना करें. जाहिर अब आपका मोड ऑफ लर्निंग थोड़ा सा चेंज है तो ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए. तो यहाँ पे अगर आप लोग इस सब वीडियो सबके लिए अवेलेबल है. Yes, ma'am. ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देखें, सबसे पहले आपको इक्वेशन आ रही है जो मैं भी आपको वर्बली बता रही थी कि ई प्लस एस जो है आपका स्टेडी स्टेट में जा रहा है ई एस कम्प्लेक्स फॉर्म में. इक्विलिब्रियम कंडीशन सारी इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन है वो आपका फॉलो हुआ हुआ है. के वन आप ऊपर वाले रिएक्शन को नाम देते थे, K माइनस वन जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको नाम दे देते हैं, और ई एस जब आपका फर्दर डिसोसिएट हो रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट में तो उसको आपको K2 का नाम दे रहे हैं. अब इधर नीचे भी जो है K2 के नीचे भी बार दफा K माइनस टू आप लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन वो इतना निगोशिएट अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है कि हम उसको, यही एक रीजन है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जब एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाए तो वो दोबारा ई एस में चेंज हो जाए. ये ऐसा बड़े कम होने के चांसेस है, बहुत कम होने के चांसेस हैं, इसलिए जो यहाँ पे आपको ये चीज डिस्क्राइब नहीं की गई, यहाँ पे के माइनस टू नहीं लिखा गया. तो अब अगर ये भी अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे के माइनस टू नहीं लिखा गया, क्योंकि जब एक दफा आपका एंजाइम प्रोडक्ट बन जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा जो है मिलके ई एस फॉर्म में चला जाए. तो ये ऐसा अगर होता है तो बड़ा ही नेग्लिजिबल, बड़ा ही ना होने की अमाउंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे के माइनस टू को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया. अब जो आपकी कंडीशन जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. वही रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अगर आप लोग इसमें अगर आप लोग लिख लें, जैसे स्लाइड्स में भी अगर आप लोग देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका क्या आ जाएगा, आगे की तरफ कौन सा रिएक्शन जा रहा है, के वन और ई आपका एंजाइम आ जाएगा और सब्सट्रेट आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन में. और अगर आप रिएक्शन एट बैकवर्ड स्टेट में देखेंगे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या आ जाएगा कि के टू दोबारा चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ई एस कम्प्लेक्स में. तो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया के वन, इंजाइम आ गया आपका और सबस्ट्रेट आ गया, जैसा कि आप लोग इधर व्यू भी कर सकते हैं. और बैकवर्ड रिएक्शन में आपका
K2 और ES कॉम्प्लेक्स आ गए। आप लोग इस वीडियो की जो है ऑडियो सुन पा रहे हैं या नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको उसके लिए नरेट कर देती हूँ, मैं खुद आपको साथ साथ नरेट करती जाती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग इस वीडियो में देखें तो ये रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो इक्वल करके लिख दिया गया है। K1 ES एंजाइम और सबस्ट्रेट आ गया, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, और इसके साथ इज इक्वल टू K-1 ES इन्होंने लिख दिया। मैंने आपको यहाँ पे कहा K2 आप लिख लें, K2 ज्यूम कर लें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या आपका बैकवर्ड रिएक्शन का क्या रेट है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके अजम्पशन पे है कि आपने जो अपना इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है उसके कॉन्स्टेंट्स को क्या नाम दिए। ठीक है जी, आगे अगर मूव करें तो अब इस रिएक्शन को मैथमेटिक्स के लिहाज से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट करके क्या कर रहे हैं कि K1 को मूव कर दिया राइट साइड पे और ES को मूव कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा K-1/K1 आ जाएगा, या आप उसे कह सकते हैं K2/K1 आ जाएगा। K-1/K1 को इसने नाम यहाँ पे दे दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अच्छा ये जो वीडियो है ये आपको सारा डिस्क्राइब कर रही है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन पहले क्या थी शुरू में, और फिर उसके बाद हेल्डेन ने जो मॉडिफिकेशन की वो सारा क्या है, लेकिन मैं आपको ये सारा कंपाइल करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो है कम डेरिवेशन में ज्यादा आपकी चीजें कवर हो जाए। तो आप लोगों ने सिंपल बस आप लोगों ने इसके लिए याद रख लेना है ये जो K2/K1 है, मैंने आपको K2 लिखवाया है, K2 ES लिखवाया या K-1/K1 है, आप लोगों ने इसको सिंपल कह देना है कि ये हमारा माइकलिस कांस्टेंट है। इधर इसने नाम दे दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट का, आप लोगों ने सिंपल इसको कह देना ये माइकलिस कांस्टेंट है। इसके लिए मैंने आपसे हैंड रिटन जो डेरिवेशन है वो आपके पावर पॉइंट में साथ खुद अटैच कर दी है, तो वो आप लोग देखेंगे तो उससे ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंपल सिर्फ अरेंजमेंट किया और आपके पास वैल्यू आ गई है एंजाइम की कंसंट्रेशन की सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की ओवर ES, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। अब टोटल एंजाइम जो आपके रिएक्शन में हो रहा है उसको सिंपल हमने डिनोट किया ई नॉट से, अगर आप इधर देखें ई नॉट से, ठीक है ई नॉट आपका क्या होगा टोटल एंजाइम आपकी इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो क्या होगा कि E होगा आपके टोटल रिएक्शन में E+ES, ये आपके टोटल उसकी वैल्यू आ गई ई नॉट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल एंजाइम क्या है आपके रिएक्शन में, एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि अगला तो वही एंजाइम है ना जो आप रीयूज कर रहे हैं, तो उसको आप नहीं देखेंगे, सिर्फ ई और ई एस आपका ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंजमेंट करें अगर आप इस क्वेश्चन को, तो आपके पास ई की वैल्यू आ सकती है। ये देखें ये जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि E की वैल्यू आ गई है, रीअरेंजमेंट किया है। अब इस E की वैल्यू का हमें फायदा क्या हुआ कि हमने ये जो E की वैल्यू निकाली है इसको आपने अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। KS की जगह आप लोगों ने KM लिखना है, मैं बार बार बता रही हूँ माइकलिस कॉन्स्टेंट आप लोगों ने इसको लिखना है। ई पे आप लोग जो भी आपकी ई की वैल्यू है उसको पुट करें, ई नॉट ई एस निकली है, बाकी सारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वही आ गया, ई एस वही आ गया। अब फिर फर्दर अगली जो है अगले स्टेप में क्या किया है कि सिंपल आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये जो सबस्ट्रेट आपका साइड पे राइट साइड पे लिखा हुआ है उसको ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ई नॉट एस आ गया, माइनस ई एस को एस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एस आ गया। तो ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो इजी से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। फर्दर अब अगले स्टेप की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो इसमें क्या हो रहा है, फर्दर स्टेप अगले स्टेप में क्या हो रहा है जी कि ये जो ई एस आप लोग देख सकते हैं इसको हमने रीअरेंज करके के एस के साथ के एम के साथ ले गए, हमने इसको के एम एज्यूम किया हुआ है, और फर्दर जो राइट साइड पे ई एस और सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है उसको भी आपने उठा के लेफ्ट साइड पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले गए, आपने सिंपल इसको अरेंज किया कॉमन लिया ई एस का, और ई एस का कॉमन लेने के बाद आपके पास जो ई एस की वैल्यू है वो आ गई, आपके पास आपकी इक्वेशन जो है एक नई इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, आपके पास सिंपल रीअरेंजमेंट की और ES की वैल्यू आ गई है। अब
अब हमने क्या पढ़ा था कि हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्यों ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आपको बता देती है. तो हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं कि v नॉट इज इक्वल टू है k टू ई एस के. तो अब फिर फर्दर हम क्या करेंगे, ई एस की वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल ली हुई है, सिंपल सिर्फ k टू ई एस में हमने ई एस की वैल्यू पुट कर दी है. तो ई एस की वैल्यू जब हमने पुट की है तो आपके सामने आ गया v नॉट इज इक्वल टू k टू ई नॉट एस के एस के एम प्लस एस. मैं सबस्ट्रेट आप लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं लिखना, आपने इसे माइकलिस कांस्टेंट लिखना और आपने इसको के एम से डिनोट कर देना. अब मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अब हमने देखना है, तो वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है वी मैक्स इज इक्वल टू के टू ई नॉट से. जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटल एंजाइम रिएक्शन, जितना टोटल आपका एंजाइम अवेलेबल होगा केमिकल रिएक्शन में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. तो उसकी बेस पे के टू ई नॉट आ गया. अब के टू ई नॉट आपकी लास्ट इक्वेशन आ गई, उसको सिंपल आपने ऊपर पुट कर लेना, के टू ई नॉट की जगह आपने क्या लिख देना है इक्वेशन थ्री में, वी मैक्स लिख देना. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस ओवर के एम प्लस एस. तो ये इस तरह से आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव कर, बड़ी आसान सी डेरिवेशन है. हो सकता है मेरे समझाने में इस तरह से समझ ना आ रही हो, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो आपको पावर पॉइंट दी गई है उनको देखेंगे तो आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं. ये वीडियो आपने यही तक व्यू करनी है, क्योंकि आगे जाके इसमें हेल्डेन के मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशन दी हुई है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ ये यही तक करना है जितना आप लोगों को करवाया गया है. आई नो थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा आपको समझने में इसको प्रॉब्लम होगी अभी, लेकिन जब आप इसको खुद करेंगे, अपने हाथों से खुद डिराइव करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी. मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वर्बली बता दूं, लेकिन अब जाहिर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अगर मैं सामने होती बोर्ड पे आप लोगों को करवा रही होती तो आप लोगों को बेहतर इसकी समझ आनी थी. अब मैथमेटिकल इक्वेशन है, बोलने में इस तरीके से समझ नहीं आएगी. इसको आप लोग बार बार वीडियो को देखें तो आप इसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं. अब हमसा जरा मुझे पावर पॉइंट खोल दें माइकलिस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन से. हाँ जी, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने खुद हैंड रिटन इसमें पेस्ट कर दी है. ठीक है, ये सबसे आसान डेरिवेशन है और इस तरीके से ये जो डेरिवेशन आपके फिंगर टिप पे रह सकती है, आप लोग इसको देख सकते हैं. अब यहाँ पे के एम मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को वीडियो में, वहां पे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के एस उसने एक डिफरेंट तरीके से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े, आपको सिर्फ माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जो जनरल है, जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाए. तो आप लोगों ने सिर्फ उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की जगह के एम को ज्यूम कर लेना है, आपने उसको के एम का नाम दे देना. आगे मूव करें इस कंप्लीट डेरिवेशन है, इसको आप जब देखेंगे बार बार करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएंगे. आपको कंप्लीट मैंने यहाँ पे ये आपकी आ गई जी वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस. ये आपकी आ गई है डेरिवेशन आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन की. इस तरीके से आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. अब माइकलिस मेंटन इक्वेशन में दो तरह की प्रॉब्लम आती है, बाज दफा फिजिकल मीनिंग आपके चेंज हो जाते हैं, बाज दफा फिजिकल मीनिंग के एम का चेंज हो जाता है. और क्यों फिजिकल मीनिंग चेंज होते हैं, ऑप्टिमाइज कंडीशन के चेंज होने की वजह से. तो ये ऑप्टिमाइज कंडीशन बाज दफा चेंज होती है, आपके रिएक्शन की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकती है. तो उस केस में माइकलिस और मेंटन ने आपके फिजिकल मीनिंग्स को चेंज करके भी कुछ डेरिवेशन की थी कि फिजिकल मीनिंग कौन कौन से आपके चेंज हो सकते हैं, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी करना है. ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों को फुल फ्लेज्ड जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव माइकलिस मेंटन इक्वेशन विद इट्स फिजिकल मीनिंग. आप स्लाइड आगे मूव करें जरा बेटा. ये फिजिकल मीनिंग के एम का आ गया. इसमें सिंपल आप लोगों ने बात याद रखनी है कि फिजिकल मीनिंग के एम का किस तरीके से चेंज हो सकता है और उसको सिंपल मैथमेटिकल वैल्यू में पुट करके बता देना. इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए. बाज दफा क्या होता है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है के एम के. तो अगर आप लोग ये वैल्यू देखें माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस और के एम प्लस एस है, तो के एम को इक्वल कर दिया क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, जो माइकलिस कांस्टेंट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया. तो आपने माइकलिस कांस्टेंट की जगह क्या लिख देनी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख देनी है. तो जब हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स ओवर टू, क्योंकि जाहिर है सबस्ट्रेट नीचे वाला सबस्ट्रेट ऊपर वाले सबस्ट्रेट से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास वैल्यू आ गई वी मैक्स ओवर टू. मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी है. इससे हमें ये फिजिकल मीनिंग जब चेंज होने से हमें ये पता चला है कि ये चीज हमने जो है
इंटरप्रेट कर लिया. आगे चलें. अब फिजिकल मीनिंग वी मैक्स का भी बार दफा चेंज हो जाता है. वो किस तरह से, वी मैक्स जो है आपकी रिएक्शन वेलोसिटी है, जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए एज कम्पेयर टू द माइकलिस कॉन्स्टेंट से, तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है माइकलिस कॉन्स्टेंट से कि आप माइकलिस कॉन्स्टेंट नेग्लिजेबल अमाउंट में हो जाता है और आप उसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं. तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस है, तो आप के एम ना लिखें, वो नेग्लिजेबल अमाउंट में हो गया. सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आपकी इतनी ज्यादा हाई हो गई तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, v not is equal to v max s over s. तो s s से कट गया तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपके मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो गया. तो ये भी कुछ बार दफा जो फिजिकल मीनिंग ऑफ v max इस तरह से भी चेंज हो सकता है. तो रीजन मैंने आपको सारा यहाँ पे स्लाइड में लिख के बता दिया, आप लोग इसको फुल फ्लेज जब आप उसको ड्राइव करेंगे रीड आउट करेंगे तो ही आपको क्लियर होगी. मेरे बताने से इस तरीके से क्लियर नहीं होगी लेकिन एक एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की स्लाइड है इसमें से आपने क्या क्या चीजें अपने पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्ट करनी है या आपके इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग क्या चीजें जरूरी हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको एंजाइम काइनेटिक्स का पता होना चाहिए, व्हाई एंजाइम काइनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज लिंक्ड टू बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की डेरिवेशंस क्या है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की दो कंडीशंस क्या है, फिर उसके बाद डेरिवेशन इसकी कंप्लीट आपको आनी चाहिए. फिजिकल मीनिंग से क्या मुराद है माइकलिस मेंटेन के, तो दो तरह के फिजिकल मीनिंग चेंज होते हैं, के एम और वी मैक्स. क्यों चेंज होते हैं, ऑप्टिमाइज कंडीशंस के चेंज होने की वजह से होते हैं और जो चेंजिंग आती है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है. स्लाइड आगे मूव करें. अच्छा, अब बाज दफा फिजिकल मीनिंग ऑफ के कैटालिसिस का भी चेंज हो जाता है तो लेकिन इससे आपके रिएक्शन पे जो फर्क आता है या जो चेंजिंग आती है ये मैंने आपको डिराइव करने के लिए नहीं दी. सिर्फ दो आपने डिराइव करने जो आसान आसान है, के एम और वी मैक्स. के कैटालिसिस का आपने सिर्फ ये जो रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है के कैटालिसिस इक्वल टू वी मैक्स ओवर टोटल एंजाइम, ये सिर्फ आप लोग याद रख लीजिएगा. बाकी इसके बारे में आप लोगों को डिटेल करने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह से आपने इक्वेशन में पुट करके डिराइव किया क्योंकि ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक बड़ा एक लंबी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके जो कोर्स आउटलाइन है उससे एडिशनल है. ठीक है, इसके इसको सिर्फ रीड आउट कर लें, इसको आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. अब फिजिकल मीनिंग ऑफ के कैट ये जो दिया गया है, जो आपको डिस्क्राइब किया गया के कैटालिसिस का क्या मतलब है कि रेट लिमिटिंग स्टेप इन द इक्वेशन है, दैट इज के टू या के कैटालिसिस इक्वल टू के टू आप कह सकते हैं. टर्न ओवर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस हुए पर सेकेंड में, और फर्दर जो कुछ एंजाइम जो होते हैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं उनकी कैटालिसिस की वैल्यू 10^6 पर सेकेंड से भी ज्यादा हाई होती है. तो बस इतनी चीजें जो है आप लोगों की याद रखने की, और ये जो स्लाइड है ये आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा याद करनी है. ये आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में मुश्किल ही पूछा जाएगा, आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आनी चाहिए. हाँ, लेकिन जो फिजिकल मीनिंग के एम है और वी मैक्स है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. आगे मूव करें स्लाइड. हाँ जी, वी मैक्स और के एम हमें क्या बताते हैं, ये उसकी कंप्लीट डिटेल है. ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब करने की बार बार बातों में कोशिश की है उसको लिख भी दिया है, तो जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वी मैक्स और के एम बेसिकली रेट लिमिटिंग एंजाइम पाथवे होते हैं और डिटरमिन करते हैं कि आपके रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको डिटरमिन करते हैं. रिएक्शन एफिशिएंसी में एक्टिवेटर भी आ जाता है, इनहिबिटर भी आ जाते हैं. आगे मूव करें. ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में ये जो सारी स्लाइड्स थी, ठीक है, ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीजें आपको डिटेल में करने के लिए कहा गया है, बेसिक्स जो है माइकलिस की वो मैंने आपको बता दी है. जो जो चीजें आप लोगों को डिटेल में करने के लिए कहा है वो आप लोगों को डिटेल में करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आउटलाइन है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम और विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम काइनेटिक्स. कभी भी एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आपके माइंड में फौरन से माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आ जानी चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिकल टूल है काइनेटिक्स का, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन. तो जो चीजें आपको बताई गई हैं इसको कोशिश करें, इसको डिराइव करें. जब तक आप खुद इसको लिख के डिराइव नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी. मुझे पता है कि वर्बली जाहिर है ये नहीं बताया जा सकता, मैथमेटिकल चीज है आई नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपका जो आपको ये चीज समझाई गई आपको बताने की कोशिश की गई क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. तो कोशिश करेंगे जो आपका क्लास का जो बातें मैंने आपको डिस्क्राइब कर, डेरिवेशन के अलावा, जाहिर है डेरिवेशन अभी आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे, उसके अलावा जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो कुछ हद तक क्लियर हुआ है आप लोगों को.
जी बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करें. यस मैम. यस मैम. क्लियर हुआ. ठीक है. अब इसका तरीके का ये है कि आप लोग जो मैंने आप लोगों के लिए पावर पॉइंट में जो डिराइव की है इक्वेशन हैंड रिटन उसको देखें वहां से और ड्राइव करने की कोशिश करें. किसी स्टेप की नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें, अपने क्लास फेलो से पूछें, आपस में जो डिस्कस करके करें. उसके अलावा जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आती आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं. अगर और कोई आपको वीडियो मिलते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पे जो रेलिवेंट है जो मैंने डेरिवेशन की हुई है उससे तो वो भी आप कर सकते हैं. क्योंकि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के जब आप लोग वीडियो सर्च करेंगे आपको टफेस्ट वीडियोस भी मिलेंगी जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. मैंने आपसे आसान तरीन जो डेरिवेशन थी वो शेयर कर दी है तो ये आपको ईजिली इंशाल्लाह इससे समझ आ जाएगी. अब जरा मुझे अपनी पहले अटेंडेंस मार्क करा दें उसके बाद आप लोग ये डेरिवेशन करेंगे बैठ के. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी बोलें बेटा. आप अजलान की अटेंडेंस लगा देंगे, उसका ना कनेक्टिविटी इशू हो रहा है कोई तो उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा. आप लोग जरा ये लेक्चर देखें मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ.